आप अगर एक कोच कंसल्टेंट और ट्रेनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप अपने क्राफ्ट के मास्टर हैं, अपने क्राफ्ट के एक्सपर्ट हैं, बट एज अ कोच, एज अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, व्हाट यू रियली रिक्वायर इज लीड्स। आपको पता है कि अगर आपके पास लीड्स आ जाएं, अगर आपके पास कुछ ट्रैफिक हो और उसके बाद लीड्स आ जाएं, कन्वर्ट तो आप कर ही लेंगे, बिकॉज आपको अपने कोचिंग और ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। बट द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग विद यू इज यू आर नॉट गेटिंग एनफ लीड्स, एंड बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनफ लीड्स यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑन योर कोचिंग एंड ट्रेनिंग। आप अपने कोचिंग और ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं बिकॉज आपको लीड्स नहीं मिल रहे हैं। और आपने एजेंसीज को टच किया है, एजेंसीज आपसे 50,000, 20,000, 1 लाख रुपीस डिमांड कर रही हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, वॉच दिस वीडियो, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि कैसे आप खुद से ऑन सेल्फ बेसिस यू कैन जनरेट लीड्स। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीड जनरेशन के लिए फेसबुक एड्स की। तो जब फेसबुक एड्स की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि फेसबुक के डैशबोर्ड को जाके देखना पड़ेगा, बहुत सारे वहाँ पे पता नहीं क्या क्या रहेगा। आपने इसके लिए हो सकता है ट्रेनिंग भी ली हो, कुछ 1,000 रुपीज़ पे करे हों और उसके बाद भी आप फेसबुक एड्स को रन ना कर पाए हों। तो अगर आप अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं और आपको ये सारे इश्यूज हैं तो मैं आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल लेके आता हूँ, जिससे मैंने अपने फेसबुक एड्स को रन करके लीड्स को मंगाया है, वो भी एट द अराउंड 30 रुपीज़ पर लीड। जब आप 30 रुपीज़ के अराउंड एक लीड ला सकते हो फेसबुक के ऊपर तो उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। चलिए चलते हैं टूल के ऊपर। द टूल इज कॉल्ड ये ply.io। जब मैं ply.io पर जाता हूँ और इस टूल को देखता हूँ तो इनिशियली आपको ये टूल खुद ही कहता है रन योर एड्स विद AI। Ply customers have 90% cheaper ad cost and 105% higher click-through rate. So 90% cheaper ad cost आ जाती है आपकी। आप जैसे साइन इन करते हैं आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, दिस इज द लिंक link.ashishjunia.com/ply। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे आपको ये लिंक मिल जाएगा, ये डिटेल मिल जाएंगी एंड आपको यहाँ पे 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। स्पेशली आई वर्कड विद द ओनर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड Ply। अब टूल के ऊपर आते हैं। जब आप टूल में एंट्री करेंगे तो आपको डैशबोर्ड कुछ अपना इस तरीके का दिखाई देगा। तो डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, बिकॉज आप एक कोच हैं, ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं, आप जो भी हैं, आपको सबसे पहले अपना एड प्लेटफॉर्म कनेक्ट करने हैं। मैंने अपने एड प्लेटफॉर्म कनेक्ट कर लिए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरे फेसबुक का पेज। जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, आप अपने फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करेंगे तो आपके सारे पेजेस यहाँ पे सामने आ जाएंगे। आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। तो आप फेसबुक अपना अकाउंट कनेक्ट कर लेंगे, फेसबुक एड अकाउंट, और अपना इंस्टाग्राम का पेज भी कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप गूगल भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप यूट्यूब भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी ऐड चला सकते हैं। देखिए यहाँ पे वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, टिकटॉक जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, स्नैपचैट जिसकी ज़रूरत नहीं है, लिंक्डइन के एड्स भी चला सकते हैं और इवन स्पॉटिफाई के ऐड भी चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे एडवर्टाइज, यहाँ होम के बराबर में आपको मिलेगा यहाँ पे एडवर्टाइज, और जब आप एडवर्टाइज में क्लिक करेंगे तो आपको जनरेट करनी है लीड्स। जब आपको लीड्स जनरेट करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है फेसबुक के ऊपर। और जब आप फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं, नाउ लेट्स से लेट मी वेट फॉर दिस, जब तक ये आता है यहाँ पे, ये एड कंटेंट को लोड कर रहा है। ओके, सो लेट्स से आप एक कोच हैं और आपको अपनी कोचिंग के लिए लीड जनरेट करनी है। ओके, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोच है, ट्रेनर है, कंसल्टेंट है, जो भी कुछ है। लेट्स से योर वेबसाइट इज coach.com, कुछ भी, जस्ट एन एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आपकी वेबसाइट coach.com है। सो आई विल राइट इट जनरेट न्यू एड। तो मैं जैसे जनरेट न्यू एड पर क्लिक करूंगा, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में अपना एड क्रिएट कर सकते हैं, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज, लाइक वट एवर इट इज। तो आप इंडिया में आप हैं तो गुजराती में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, आप कन्नड़ा में भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं, मराठी में भी कर सकते हैं, सो देर आर लॉट मेनी, तमिल में भी क्रिएट कर सकते हैं, उर्दू में भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यू हैव ऑलमोस्ट लाइक सो मेनी लैंग्वेजेस हियर। ओके, तो अभी ईजीनेस के लिए इंग्लिश रखते हैं। और लेट्स से यू आर अ कोच, एंड अ कोच हेल्पिंग पीपल टू स्टे फिट पोस्ट 40 इयर्स ऑफ एज। ओके, मान लेते हैं आप एक ऐसे कोच हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को कि
टू स्टे फिट आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, एंड आपकी कंपनी का नाम है स्टे फिट, या आपके बिजनेस या मॉडल का नाम है स्टे फिट आफ्टर 40। तो जैसे मैंने ये टाइप किया, आई विल जस्ट क्रिएट डिस्क्रिप्शन, मेरे सामने डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और जब मैं डिस्क्रिप्शन क्रिएट करूंगा तो आप देखिए ये यहाँ पे सब शो कर रहा है, स्टे फिट आफ्टर 40 इज अ बिजनेस डेडिकेटेड टू हेल्पिंग इंडिविजुअल्स मेंटेन देयर फिटनेस एंड हेल्थ। कंटेंट जनरेट करेंगे, मैं तीनों कोचेस के लिए अब बात करूंगा यहाँ पे। अगर आप हेल्थ कोच हैं तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ कोच हैं तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप कोच हैं आप यहाँ पे तो भी काम कर सकते हैं, लाइफ कोच हैं तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली एज अ कोच ट्रेनर कंसल्टेंट, पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके हाथ में वो चीज मिलेगी आपको जिसको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, जिसके लिए आप कंसल्टेंट्स के चक्कर काट रहे थे, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के चक्कर काट रहे थे, एंड नाउ विद दिस यू आर एबल टू जनरेट लो कॉस्ट फेसबुक एड्स, नॉट पेइंग एनी एड एजेंसी एंड नॉट इवन लर्निंग फेसबुक एड्स फ्रॉम अ कंपनी। फेसबुक एड्स आपको सीखने की जरूरत नहीं है, उसका कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे आइए और एड क्रिएट कर लीजिए। नाउ देखिए इसने बाय द वे यहाँ पे एड क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एड आ गया है हमारा, ये स्टॉक फोटोज हैं, देखिए स्टॉक फोटो में वीडियो एड कर दिया इसने, ये स्टॉक वीडियो है बेसिकली, शटर स्टॉक से जब आप इसको क्लिक कर देंगे, अपलोड करेंगे तो ये शटर स्टॉक यहाँ से चला जाएगा। ये देखिए ये वीडियो एड हो गया, इस तरीके के चार वीडियो एड आपने क्रिएट कर दिए। और ब्यूटी क्या है ना इस प्रोसेस की, सिस्टम की, कि आप यहाँ पे जस्ट 100 रुपीज के बजट में आप 4 एड्स को ट्राई कर सकते हैं, यानी कि 25 रुपीज पर एड, एक एड सेट को आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ इसने क्या किया है, देखिए टारगेटिंग भी ऑटोमेटिकली कर लिया, आपको टारगेट करने की भी जरूरत नहीं रही है, फिजिकल फिटनेस, इक्विनॉक्स फिटनेस, जुम्बा फिटनेस, ऑल दोस थिंग्स। और इसने टारगेट किया लोकेशन जो यहाँ पे टारगेट की थी, क्योंकि मैंने पहले यूएस रखा था, मेरे से किसी ने पूछा था यूएस, तो आप यहाँ पे किसी को भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरा इंडिया टारगेट करना चाहते हैं अपने लिए, तो आप सीधा एक इंडिया फिल कर दीजिए, दैट्स इट, तो पूरा इंडिया आ जाएगा। या फिर आप ओनली मेट्रोस को टारगेट करना चाहते हैं तो आपके पास सारी मेट्रो आ जाएंगी। अगर आप ओवरसीज टारगेट करना चाहते हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने किसी को कंसल्टिंग दी, वो बोल रहे थे कि मेरे को यूएस के क्लाइंट्स ट्रैक करने हैं या क्रैक करने हैं, तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स भी लिख सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे ही लिखेंगे तो आपका पूरा यूएस टारगेट हो जाएगा, यूएस, यूके और इवन कैनेडा भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप सिर्फ कैनेडा को ही टारगेट करना, यूएस यूके एंड कैनेडा को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो यूएस यूके और कैनेडा को आराम से टारगेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज टारगेटिंग, ओके। आप अगर आप चाहें डीप, इसमें देखिए इसमें डीप टारगेटिंग भी हो सकती है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को थोड़ा सा डीप टारगेट करना है, और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ यूएस यूके और कैनेडा के लिए है। यहाँ पे डीप टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे ब्राउज करेंगे डेमोग्राफिक, फाइनेंशियल लेवल पे अगर आप चाह रहे हैं कि टॉप 5% ऑफ यूएस हाउस होल्ड, आप उनको टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। आप चाह रहे हैं कि 25%, तो आप सबको टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा इन जनरल देखिए, जब आपको अच्छे लोग चाहिए जो ऑलरेडी, जिनका बिहेवियर ऐसा हो कि जो मोबाइल डिवाइस यूजर हो या एंगेज शॉपर हो, कंज्यूमर क्वालिफिकेशन आपकी, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं डिजिटल एक्टिविटी में, अगर आप कंटेंट क्रिएटर को टारगेट करना चाहते हैं, ओके, फेसबुक पेज एडमिन्स को टारगेट करना चाहते हैं, और एक्सपर्ट्स को टारगेट करना चाहते हैं, डिजिटल एक्टिविटीज, म्यूजिक क्रिएटर्स को, तो आप जिसको भी टारगेट करना चाहें। देखिए परचेज बिहेवियर का एक बड़ा अच्छा है कि एंगेज शॉपर, जो अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी एंगेज शॉपर्स हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। नाउ लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क, आप चाहते हैं कि उन लोगों को टारगेट करें जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आपको लगता है कि ज्यादा मनी है, फॉर एग्जाम्पल आईटी इंडस्ट्री, आप अगर आप चाहें, या कंपनीज को भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं टारगेट, कंपनीज फाउंडेड बिफोर 2000, यानी कि आप उनके सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओ को टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी टारगेट कर सकते हैं। कंपनीज फाउंडेड बिफोर 2000, कंपनीज फाउंडेड बिटवीन 2000 एंड 2009, कंपनीज फाउंडेड बिटवीन 2010, $1 million रिवेन्यू जिस कंपनी की है उसके सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओ को टारगेट कर सकते हैं। कंपनी रिवेन्यू $1 million से लेस है, $10 million है, कंपनी साइज क्या है, देर आर सो मेनी टारगेटिंग यू नो एरियाज। यहाँ पे आप आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज, अगर आप यहाँ डोमेन में टारगेट करना चाहते हैं तो आप ये भी टारगेट कर सकते हैं। एड रेडी है आपका, ओके। अब यहाँ पे सेम एड को अगर मैं इमेज क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को शटर स्टॉक से इमेज बना के दे दी है इसने,
ये स्टॉक इमेजेस हैं, आप यहाँ पे चाहें तो आप अपनी इमेज को ऐड कर सकते हैं, और सिमिलरली आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप प्लस करेंगे तो आपकी जो जो इमेजेस हैं, जैसे मेरे वीडियोस की इमेजेस आप यहाँ पे आ जाएंगी जो मैंने पहले ऐड किए होंगे। ओके, तो ये देखिए, ये पहले के जो मेरे वीडियोस हैं ये सारे वीडियोस यहाँ पे आ गए हैं। तो जो वीडियोस आप ऐड करेंगे वो यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे, और एक ऐड के अंदर आप बेसिकली 4 को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि एक ऐड में 4, 5, 6 यस, इवन एक ऐड में आपको 6 से ज्यादा वीडियोस भी टारगेट हो चुके हैं। बट आइडियली अगर आप देखें तो जो हमें इन्होंने ऐड कॉपी बना के दी है, स्टे फिट आफ्टर 50, 1, 2, 3, 4, सो एक ऐड में अगर आप देखें तो 4 ऐड कॉपीज हमारे पास क्रिएटेड है। सो सिमिलरली व्हाट यू शुड बी डूइंग इज यू शुड बी फोकसिंग अपॉन 1 ओनली, ओके 4 ओनली। 4 से ज्यादा करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। नाउ लेट्स रिमूव ऑल दिस। ये स्टॉक को अगर आप रखना चाहें तो आप स्टॉक रख सकते हैं, और आप इनको रिमूव करना चाहें तो जैसे यहाँ पे ये दिस इज द प्लेस टू रिमूव, और मैं कहूंगा कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के टारगेट करें। आप वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करना चाहते हैं, आप टारगेट किसको करना चाहते हैं उस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होगा। उसके बाद हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें एक लीड फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ ऑलरेडी एक लीड फॉर्म बनाया हुआ है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट लीड फॉर्म। तो यहाँ पे लीड फॉर्म में आप गए, आपने लीड फॉर्म का नाम रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 4th जुलाई, लेट्स से इट इज 4th जुलाई, लेट्स से 4th जुलाई 2024 लीड, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा इंट्रो। सो इंट्रो में इंट्रो ग्रीटिंग आप देते हैं नहीं देते हैं दैट इज ओके। सो ऐड अ ग्रीटिंग आप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू योर कोचिंग जर्नी फॉर एग्जाम्पल। सो फॉर्म टाइप, देखिए यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो ये वाला आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपको हायर इंटेंट चाहिए, देखिए इसमें क्या होगा कि हायर इंटेंट यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे हमें दिखाई भी दे रहा है, अगर आप हायर इंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्लाइडर आएगा सामने आपके प्रोस्पेक्टिव इंडिविजुअल के जो फॉर्म को फिल करेगा। दूसरा यहाँ पे आप क्वेश्चंस को आप ऐड कर दीजिए, आप यहाँ पे यू विल ओके सो ईमेल फुल नेम, आप यहाँ पे सिटी ऐड कर दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कौन सा सिटी से आ रहा है। आप यहाँ पे फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, तो ये लीड फॉर्म बैकग्राउंड में आपके चलता रहेगा। नेक्स्ट फिर आता है आपके प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी अभी नहीं पता है कि प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप, या तो आप यहाँ पे आपकी वेबसाइट से ऐड कर सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आपके पास आपकी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है तो सबसे आसान तरीका, आप यहाँ पे जाइए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर फॉर फेसबुक एड्स। सो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर फ्री टूल आ गया। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना कंपनी नेम, लेट्स से आई विल राइट माय कंपनी नेम आशीष, ओके एंड लेट्स से आई राइट एन ईमेल ashish@ashish.com जस्ट एन एग्जांपल। सो ये मेरे को प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करके दे देगा, और जैसे मैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर लूंगा मेरे पास ये कॉपी द यूआरएल लिंक, ये यूआरएल हमारे को यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी में, ओके दिस इज द प्राइवेसी पॉलिसी लिंक। ओके नाउ कंप्लीशन में अब आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इंडिविजुअल को कॉल अगर करवाना चाहते हैं आपके नंबर पे तो यहाँ पे कॉल द बिजनेस और डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपको यहाँ पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लाना चाहते हैं तो जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर इज योर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप ग्रुप .com whatever it is, जो भी आपके WhatsApp ग्रुप का लिंक है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप अपने नंबर पे अगर WhatsApp कराना चाहते हैं तो WhatsApp का उसका एक क्लियर मेथड होता है, आप Google पे सर्च कर सकते हैं इस तरीके से WhatsApp नंबर लिंक क्रिएट, यस WhatsApp नंबर लिंक क्रिएट, सो क्रिएट WhatsApp नंबर लिंक, ये आपको यहां मिल जाएगा यूज दिस। सो वा.me और उसके आगे आपका नंबर यहां पे,
जैसे आप यहाँ पे अपना नंबर प्लेस कर सकते हैं या आपको इस तरीके से व्हाट्सएप, अगर आपको अपने नंबर पे डायरेक्ट कॉल चाहिए तो https://wa.me/, अब जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ तो कंट्री कोड 9191 और एग्जांपल 9259900000, सो 10 digit व्हाटएवर इट इज, सो कॉल टू टेक्स्ट सबमिट। सो नाउ यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिटेल, यहाँ पे हेडलाइन थैंक यू फॉर filling the details, you are now redirected to WhatsApp group, okay, और अगर आप नंबर डालते हैं तो यहाँ पे WhatsApp नंबर, okay, then you just submit, create, please enter paragraph greeting, okay, greeting paragraph ये बोल रहे हैं, सो यहाँ पे पैराग्राफ डालना पड़ेगा, वेलकम टू योर कोचिंग जर्नी, वेलकम टू योर अनस्टॉप डेस्टिनेशन टू क्रिएट रिजल्ट्स। ओके, मैंने कमेंट डाल दिया ताकि आप किसी भी तरह के कोच हो, बैकग्राउंड में आपका जो भी इमेज वगैरह आप लेते हैं, जो भी आपका ऐड होगा उसका बैकग्राउंड का ऐड ये पिक कर लेगा। तो अब ये यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं 4 जनवरी लीड, और मैं यहाँ पे मेरे को याद रहे किस तरीके का मैंने एड कैंपेन लिया था, ये फॉर्म लिया था, तो हायर इंटेंट कर लेता हूँ, हायर इंटेंट। तो यहाँ पे मेरे पास अब लीड जो है अच्छी क्वालिटी की आ जाएंगी, हायर इंटेंट की आ जाएंगी। ओके, सो ये लीड फॉर्म क्रिएट हो गया, ये यहाँ पे आ गया है। अब मुझे सीधा क्या करना है, सीधा सिर्फ क्लिक क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, एंड ये वीडियो कह रहा है ओके, वीडियो ऐड कर लेते हैं, इनके ही वीडियो ऐड कर लेते हैं जो भी हमारे पास आए हुए हैं, सो जो हमें बन के आए हैं ये स्टॉक फोटोज, स्टॉक इमेजेस के वीडियोस हैं, स्टॉक वीडियोस बेसिकली, क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा इट विल क्रिएट द एड। चलिए अब सेकंड चेक करते हैं, अब आप फॉर एग्जांपल वेल्थ कोचिंग में, फॉर एग्जांपल सो wealthcoach.com, ओके, सो जनरेट न्यू एड हेल्पिंग people to create wealth using personal finance techniques. So आप help कर रहे हैं wealth create करने के लिए using personal finance techniques, whatever it is. So wealth wealth creator. Okay. Now generate description. So wealth creator is a business dedicated to assisting individuals in building wealth creation. Okay, detail आ गई है. Generate करेंगे content. अब जैसे मैं content generate करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो background में आपको पहले create किया था हमने ad, वो सारा गायब हो जाएगा. वो सारा का सारा अब आपका change हो जाएगा. It's going to now work totally different. Now, okay. Now look at this wealthcoach.com. तो ये एक ad ऐसा बन गया है जहां पे wealth के बारे में दिखाया दे रहा है. Now it is wealth. Okay. Now, yes. So it is talking about कि आपका जो ad है वो wealth को show करने की कोशिश कर रहा है. Okay. ओके, सो ऑटोमेटिक टारगेटिंग भी देखिए हो गई है यहाँ पे, टारगेटिंग फाइनेंस 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 पर्सनल फाइनेंस क्रेडिट सिक्योरिटी फाइनेंस एंड देन ऑल दोस थिंग्स। यहाँ लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, एड्स अपने आप बन गए, रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंस एंड क्रिएट वेल्थ, लुक नो फर्दर, वेल्थी क्रिएटर, आवर डेडिकेटेड टीम इज हियर टू गाइड यू ऑन द जर्नी। सो आप जो भी एड बनाते हैं, जिस भी तरीके का, वेल्थ कोच है, हेल्थ कोच है, रिलेशनशिप कोच है, ऑटोमेटिक आपके एड्स, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्स आपके बन के आ गए हैं। मैं इनको अगर चेंज करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिक इमेज एड्स आ जाएंगे, देखिए इमेज एड आ गए हैं, ये दीज आर इमेज एड इमेजेस एड। ओके, सो इमेजेस एड हो गई हैं अपने हिसाब से, आप इसमें पर्सनल इमेज भी डाल सकते हैं, शटर स्टॉक की इमेजेस भी रख सकते हैं। देखिए मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा, और इसमें कुछ नहीं करना है, अब आपको ये आ गया एड, अब नया एड बन गया, आप हेडलाइंस यहाँ पे बनी हुई है, बिल्ड वेल्थ टूडे, इंक्रीज योर वेल्थ, मास्टर पर्सनल फाइनेंस, अनलॉक फाइनेंशियल सक्सेस, आपको सिर्फ लीड फॉर्म सेलेक्ट करना है और बजट यहाँ पे रख दीजिए।
और जब आप यहाँ पे बजट रख देंगे तो ये कुछ ऐसा काम करेगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए, अभी आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अब यहाँ पे वेल्थ कोच आ गया। अब मान लेते हैं आप रिलेशनशिप कोच हैं या लाइफ कोच हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइफ कोच लिख देते हैं, lifecoaching.com, let's say, so generate new ad, so helping people in all areas of life, so let's say you are a life coach, तो आपने यहाँ पे लिखा life coach, आपका जो business name है, जो भी है life coach है, तो मैंने जैसे life coach लिखा, life coach के बाद अब देखिए सब कुछ change हो जाएगा, ultimately, now it will create description. Life coach is a business dedicated to assisting individuals in all aspects of their life. Now generate content. So, यहां पे ये content create हो जाएगा। Okay. So now look at this, a life coach, coaching and training की images आ गई अब, और मैं अभी अगर जैसे ये change होगा जब ये ad, तो automatically आपके सारे ads, आपकी stock images change हो जाती हैं, आपकी जो videos हैं वो change हो जाते हैं, सब कुछ आपका change हो जाता है यहाँ पे। So now ये वीडियो एड्स आपके सारे आ गए हैं, ये सारे वीडियो एड्स आपके आ गए हैं। नाउ लुक एट दिस, नाउ दिस रियली वर्क्स, और यहाँ पे आप अपने स्टॉक एड्स लगा सकते हैं। सो नाउ ब्यूटी, अभी आपने सब देख लिया, अब आपके सारे एड्स चेंज हो गए। नीड गाइडेंस इन योर लाइफ, लुक नो फर्दर, लाइफ कोच इज हियर टू हेल्प यू इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ऑटोमेटिक सारे आपके एड्स बन के आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इस काम के लिए आप एजेंसीज के पास जाते थे, इस काम के लिए आप बहुत कुछ करते थे, इस काम के लिए आपको डिले होता था कि कैसे लीड्स आएंगे, क्या होगा। अब यहाँ पे लीड्स आप सारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं, जहां भी आप मंगाना चाहें वहां लीड्स आपके पास आएंगी और आपको कनेक्ट करेंगी, और लीड्स कनेक्ट करती हैं, काम करती हैं। नाउ अब देखते हैं जब ये एड्स बन जाते हैं, मैंने आपको वेल्थ भी बताया, हेल्थ भी बताया, और आपको लाइफ कोचिंग भी बताया। अब चेक करते हैं कि ये जब हो जाता है ये किस तरीके से कैसे क्या काम करता है। तो मेरे कुछ एड्स पुराने मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपके एड बन जाते हैं ये अप्लाई के ऊपर, तो ये पूरा डैशबोर्ड शो करता है, इस तरीके का डैशबोर्ड शो करता है, और इस डैशबोर्ड पे शो करने के बाद इस तरीके से आता है। देखिए डे वन में एड अप्रूव होगा, 24 to 48 hours आपको फेसबुक को लगते हैं, तो जब 24 to 48 hours फेसबुक को लगेंगे तो यहां पे चेक करेगा, एड्स को टारगेटिंग होगी, फिर आपको बताएगा वीक में, पूरी वीक में टेस्टिंग होगी, ए और बी टेस्टिंग, जो चारों एड्स आपके चल रहे हैं अंदर, एक एड के अंदर 4 ads हैं, सो बेसिकली टोटल 4 ads, उनकी ए बी टेस्टिंग होगी, फिर बताएगा कैसे चल रहे हैं। वीक 2 में जहां पे भी आपको रिजल्ट्स आ रहे होंगे आपका सारा एड बजट वहां मूव कर देगा ये, और ए बी टेस्टिंग का परफॉर्म करता रहेगा, योर अर्ली परफॉर्मेंस इज अबव बेंचमार्क्स। जब आपको ऑनगोइंग, जैसे मेरा एड चल रहा है ऑनगोइंग, तो ये बताएगा एड स्पेंड शिफ्टेड टू द हाईएस्ट परफॉर्मिंग एड सेट, इंक्रीजिंग योर बजट बाय 25%। सो ये पूरा वीक बता रहा है, टुडे आज का भी बता रहा है किस तरीके से ऐड परफॉर्म कर रहा है, वीक में कैसे परफॉर्म किया, मंथ में कैसे परफॉर्म किया, एंड पूरा ईयर में कैसे परफॉर्म किया, इट विल टेल यू एवरीथिंग। नाउ कॉस्ट पर लीड कितने की आ रही है, कॉस्ट पर लीड इज 35 rupees, आपको आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देगा, कितने क्लिक्स हुए, कितना CPC आया, CTR कितना है, और देखिए कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक को कितना कॉस्ट बैठ रहा है, दिस आपका क्लिक थ्रू रेट। देखिए क्लिक थ्रू रेट जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, बिकॉज आपके एड को ये छोटी छोटी क्वांटिटी में टेस्ट करता है। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ना टेस्ट करता रहता है टूल अपने आप ही, जैसे ये प्राइमरी टेक्स्ट था, फिर इसका कंटेंट था, तो इसका CTR आया 3.91, तो जो जो बेस्ट एड हैं, अब जो बेस्ट हैं या गुड हैं वहां पे ये भेजते रहेंगे, अब जो बैड है, देखिए ये वाला एड कॉपी जो थी वो बैड थी, तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं भेज रहा है। Now the traffic is not going to this ad. तो जो काम आप करते हैं मैनुअली बैठ के, बिकॉज अगर आपने कभी नहीं किया है फेसबुक एड्स का काम, तो मैं बता दूं फेसबुक एड्स के काम में जैसे स्टॉक मार्केट में चेक करना होता है ना कि लीड कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही है, क्या हो रहा है, वो कई बार बैठ के चेक करना पड़ता है, और उन एड्स को डिलीट करना पड़ता है, उन मॉड्यूल्स को डिलीट करना पड़ता है,
जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, प्लाई आपका सारा काम कर देगा। सो नाउ बैड एसेट्स में देखिए ट्रैफिक ही नहीं जा रहा है, बैड एसेट्स को ये दिखाएगा ही नहीं, वहां पे ट्रैफिक ही नहीं भेजेगा आपका। इस तरीके से आपके एसेट्स बन के आ जाते हैं और आपको जो भी चेंजेस करने हैं फ्यूचर में, मान लेते हैं आप मुझे आज कोई भी चेंज करना है, अब मुझे टारगेटिंग चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से अपनी टारगेटिंग चेंज कर सकता हूँ। मैंने अभी फिलहाल AI टारगेटिंग किया हुआ है, तो AI टारगेटिंग से ऑटोमेटिकली AI टारगेट कर रहा है, तो मैंने AI को छोड़ दिया टारगेट करने के लिए। अब जो भी मुझे चेंजेस करने हैं मैं यहीं पर कर सकता हूँ, मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे अब फेसबुक एड्स को इंटरनल ads.facebook.com या वहाँ पे कहीं नहीं जाना है। सो नाउ व्हाट आई एक्चुअली नीड टू डू इज यहाँ पे डेस्टिनेशन चेंज करनी है। ओके, तो मैं डेस्टिनेशन चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, सो मुझे बजट चेंज करना है, मैं बजट चेंज कर सकता हूँ। मुझे टारगेटिंग चेंज करनी है, मैं टारगेटिंग चेंज कर सकता हूँ। मुझे जो भी चेंज करना हो मैं वो चेंज कर सकता हूँ। सो अल्टीमेटली आपने ये काफी कुछ देख लिया है यहाँ पे। अल्टीमेटली आप इस ट्रेनिंग को पूरा का पूरा रिविजिट भी कर सकते हैं, आप इस एड कॉस्ट चेंज करना चाहें कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म तो कोई चेंज होगा नहीं। अल्टीमेटली यहाँ से आपको लीड्स आती ही रहेंगी। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब आपको क्या करना है। देखिए आपको क्या करना है, ये इस टूल को बाय करने के लिए या इस टूल को लेने के लिए आपको एक तो फ्री ट्रायल मिलेगा। बेसिकली मैंने स्पेशल टाइप किया है, तो आपको link.drashishjuna.com से जब अप्लाई पर जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, एनी फ्रेंड ऑफ डॉक्टर आशीष इज अ फ्रेंड ऑफ आर्स। सो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इस प्लान के ऊपर। सो लेट्स से मैं भी आपको लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ पे अपने को। सो द मोमेंट आई एम लॉगिंग आउट, सो तब ये दिखाई देगा। तो ये जो प्लान है हमारा $97 का, यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे जब क्लिक करते हैं हम, तो अल्टीमेटली स्टार्ट 7-day फ्री ट्रायल, सो इट विल आस्क मी टू साइन इन, सो और साइन अप इसके लिए कि साइन अप के लिए आस्किंग इट इज आस्किंग। तो 7 days का आपको ट्रायल मिल रहा है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना होगा। सब्सक्राइब पे जब आप क्लिक करते हैं, ओके, सो नाउ आप यहाँ पे प्रोमो कोड ऐड कर सकते हैं डॉक्टर आशीष 10। जैसे आप डॉक्टर आशीष 10 प्रोमो कोड ऐड करेंगे, देखिए ये 10% आपको ऑफ दे देगा, $9.70। सो आपको $87 का बैठेगा ये पर मंथ एंड 7 days फ्री। तो अल्टीमेटली देखिए ये आपको डेट भी बता देगा कि आपको कब चार्ज करेगा ये। सो ट्राई दिस फॉर दिस डे, 7 days इट इज फ्री। तो जैसे आप यहाँ पे डिटेल्स अपने एंटर करेंगे, ऑल योर कार्ड डिटेल्स एंड एवरीथिंग, इट विल नाउ टेल यू आफ्टर योर, देखिए यहाँ पे ये बता दिया इसने, आफ्टर योर ट्रायल एंड्स यू विल बी चार्ज 87.30 पर मंथ स्टार्टिंग 11 July। तो आज 4 है एंड 4 and 7 11। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, बिकॉज कई बार आपको कन्फ्यूजन होती है कि इससे आगे जाएं कि नहीं जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। यूज दिस, पीपल आर गेटिंग अमेजिंगली गुड लीड्स, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों के पास। कीप यूजिंग इट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बाय द वे अगर आप मेरे, बिकॉज दिस इज अ रेफरल लिंक, दिस इज अन एफिलिएट लिंक, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। बल्कि अगर आप मेरे रेफरल लिंक से नहीं जाते हैं तो आपको तो $97 का ये अमाउंट आएगा, अगर आप इससे जाते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपने अगर रेफरल लिंक से ज्वाइन किया है तो आप मुझसे एक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं इसके बारे में, अगर आप कहीं पे आपको कहीं पे दिक्कत आती है। तो अब लीड्स अपने जनरेट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, आप एक बढ़िया कोच हैं, यू आर डूइंग द वर्क गुड, बट यू आर लुकिंग एट लीड्स नाउ, नो मोर लीड्स प्रॉब्लम, गो फॉर इट, डू इट। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बताते रहिए, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको ऐसा क्या मिला, आपको और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच।